हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बालों के लिए बेस्ट शैम्पू कैसे चुन सकते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। बालों को धोना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे हम रोज़ाना अपने चेहरे को, अपने दांतों को ब्रश करते हैं, चेहरे को फेस वॉश से धोते हैं, जैसे हमारे शरीर को हम साबुन से धोते हैं और साफ़ रखते हैं, वैसे ही हमारे बालों को और सिर को शैम्पू से धोना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के बाल को हर दिन धोने की ज़रूरत होती है, किन्हीं को सप्ताह में एक बार और किन्हीं को सप्ताह में दो से तीन बार की ज़रूरत होती है। शैम्पू करने से हमारे बाल कुदरती सुंदर होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, वे बेजान नहीं होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से मार्केट में आजकल मिलने वाले शैम्पू के काफ़ी अधिकतर ब्रांड्स अवेलेबल हो गए हैं मार्केट्स में, या टीवी एड देख कर के क्या आप शैम्पू खरीद लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को या आपके हेयर को ये अच्छा रहे। तो शैम्पू का चुनाव कैसे करना चाहिए? शैम्पू का चुनाव पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपके बालों का प्रकार क्या है, किस प्रकार के बाल हैं, क्या आपको डेंड्रफ है या नहीं है, आपका स्काल्प ऑयली है, स्काल्प ड्राई है, आपके बाल कर्ली हैं या किस प्रकार से, इस पर डिपेंड करता है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। पहला पॉइंट है आपके बाल किस तरह के हैं। आपके बाल कर्ली हैं, सीधे हैं, लहराते हुए हैं, सपाट हैं, क्या आप अपने बालों में कलर करते हैं? तो आपको बाज़ार से, मेडिकल से शैम्पू खरीदते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं है शैम्पू, बल्कि शैम्पू के फीचर्स, उनके फ़ायदे किस प्रकार से हैं, उनके बारे में आपको देखना ज़रूरी है। शैम्पू के पैक पर लगे हुए लेबल को ज़रूर पढ़ें। अनेक टाइप के हो सकते हैं, रूखे बालों के लिए, ऑयली बालों के लिए, फाइन हेयर्स के लिए। जैसे दूसरा पॉइंट है फाइन हेयर्स के लिए, जिनके बाल बहुत पतले होते हैं उनको वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कर्ली हेयर, जिनके बाल कर्ली हैं, घुंघरालू हैं, तो उनको शैम्पू से जब भी बाल धोते हैं, उनके बाल रुके हों तो उनके केमिकल ट्रीटेड होते हैं, तो इस प्रकार के शैम्पू अगर कोई केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बाल और ज़्यादा ड्राई और कर्ली हो सकते हैं। तो उनको ऐसा शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हो, और साथ में शैम्पू करने के बाद में कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है अगर बाल रुखे हैं, बाल रुखें बेजान हैं, तो ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें शैम्पू करने के पश्चात में थोड़ी सी नमी मिले, और साथ में शैम्पू करने से पहले हमेशा नारियल तेल का मसाज बालों में करना चाहिए। पांचवा है अगर आपके हेयर ऑयली हैं, जिन लोगों के हेयर्स ऑयली हैं उनके लिए ध्यान देना चाहिए कि कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। बालों में शैम्पू करने में ध्यान दें कुछ ऐसे शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजोल, सेलेनियम और जिंक पायरोथ्रीन, ऐसे शैम्पू में शामिल होने चाहिए, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शैम्पू को सप्ताह में दो से तीन बार इस्तेमाल करना चाहिए। छठवां चीज़ है डाई या कलर के हुए बालों के लिए किस प्रकार के शैम्पू करने चाहिए। ध्यान देने चाहिए ऐसे व्यक्तियों के बाल को धोने के लिए बेबी शैम्पू के इस्तेमाल करने चाहिए, और शैम्पू को ज़्यादा समय तक के लिए सिर में नहीं रखना चाहिए। सिर में ज़्यादा समय तक रखने के लिए आपका डाई का कलर बहुत जल्दी चला जाएगा, इससे आपको बार बार डाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको बालों में कंडीशनर करना चाहिए या किन प्रकार के बालों में कंडीशनर करना चाहिए? ध्यान में देने लायक बात यह है कि अगर जिनका ऑयली हेयर है उनको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई और कर्ली हैं उनको कंडीशनर करना चाहिए। शैम्पू क्या रोज़ करना चाहिए, सप्ताह में करना चाहिए या सप्ताह में एक बार करना चाहिए? शैम्पूओं को जिनका ज़्यादा ऑयली स्काल्प होता है उनको हर दिन शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा ऑयली नहीं है उनको सप्ताह में दो या तीन बार से शैम्पू करना चाहिए।
कुछ और पॉइंट्स हैं जिनमें आप ध्यान दे सकते हैं कि शैम्पू का चुनाव करें तो किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है, स्काल्प की देखभाल ज़रूर हमको केयर करना चाहिए। हमको ऐसे शैम्पू का चुनाव करना चाहिए जो हेयर जहाँ से निकलते हैं उनके पोर्स को ब्लॉकेज ना करे और छोटे छोटे जो नए बाल निकलते रहते हैं उन जड़ों को नुकसान ना करे। शैम्पू का चुनाव करते हैं तो ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे स्काल्प स्किन को नुकसान ना पड़े, क्योंकि इससे हम आपको चर्म रोग हो सकता है। अगर किसी के स्काल्प सेंसिटिव है और काफ़ी आप हार्ड शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्काल्प ड्राई भी हो सकता है और हेयर फॉल होने का शिकायत हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, शैम्पू में आप अपने एसिडिटी को ज़रूर चेक करें। एसिडिटी का मतलब पीएच लेवल। आप शैम्पू में देखना चाहिए कि जो आपकी बॉडी के स्काल्प के 4.5 पीएच के नियर अबाउट है, इस टाइप के शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो सकते हैं, आपके स्काल्प को डैमेज हो सकता है। तीसरा चीज़ है, शैम्पू करते वक्त हमको टाइम फैक्टर का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हर पैकेट में शैम्पू करने के टाइमिंग और ड्यूरेशन के बारे में दिया जाता है कि हमको शैम्पू कितने दिन के अंतराल में उपयोग करना चाहिए और शैम्पू करते समय हमको उस शैम्पू को हमारे स्काल्प में कितने समय तक रखना चाहिए। जैसे अधिकतर एंटी फंगल शैम्पू को सप्ताह में 2 या 3 बार तक इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम स्काल्प में या हेयर में लगा के छोड़ते हैं तो उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन नॉर्मल शैम्पू को हमारे बालों में 1 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए। उसको बालों में अच्छे से झाग करके बहुत अच्छे से पानी से धो देना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि शैम्पू में मिलने वाले या उसमें होने उपयोग होने वाले क्या क्या कंटेंट हैं उसका हमको ध्यान देना चाहिए। एग्जांपल के रूप में कई शैम्पूज़ में पैराबेन होते हैं जो कार्सिनोजेनिक किन्हीं को हो सकता है। किसी शैम्पू में मेंथॉल होता है, मेंथॉल से आपको एलर्जी हो सकती है। कई शैम्पू बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस माने खुशबू बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। पांचवा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन अवश्य करें। बालों को नॉर्मल गुनगुने पानी से धोएं, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अंत में बहुत ज़रूरी चीज़, आप केवल और केवल शैम्पू से अपने बालों के झड़ने को या टूटने को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने बालों के अच्छे ग्रोथ और अच्छी क्वालिटी के लिए आपके डाइट में पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन्स, मिनरल, इन चीज़ों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो ज़रूर मिले। धन्यवाद।